तो गाइस मैं ज्वाइन हो चुका हूँ प्राइम एसएमबी के अंदर। और किसी भी एसएमबी में ज्वाइन होते ही सबसे पहले उसको क्या चाहिए होता है, एक फुल मैक्स नेदरराइट का आर्मर, कुछ अपने बेसिक से टूल्स जो कि फुल मैक्स हो, और साथ ही साथ थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल्स वगैरह, और फिर वो बन जाता है किसी भी एसएमबी का मोस्ट पावरफुल प्लेयर। लेकिन आज मैं बनने वाला हूँ सबसे वीकेस्ट प्लेयर इन दिस लाइफस्टाइल एसएमबी। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर बनना था, लेकिन सारे के सारे प्लेयर्स ने मुझे मार मार के ना वीकेस्ट प्लेयर बना दिया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जानने वाले कि मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट प्लेयर कैसे बना इस एसएमबी में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग का बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा थैंक यू, क्योंकि पिछले वाले वीडियो का लाइक गोल आपने पूरा करा दिया जो कि था 20 लाइक्स। लेकिन आज की इस वाली वीडियो का लाइक गोल मैं थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ जो कि होने वाला है 25 लाइक्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एसएमबी के अंदर मैं रात को स्पॉन हो चुका था और सभी के सभी लोगों ने यहाँ पे अपना अपना बिल करके रखा था, जो कि मैं एक एक करके देखने लगा। और तभी इधर पे मुझे एक स्केलेटन ने एक एरो मार दिया और मैं हाफ हट पे आ गया। उसके बाद ज़ॉम्बी ने मुझे मारा तो मेरा इधर पे मर चुका था, और उसके बाद मेरा एक हर्ट चला गया था जो कि वहाँ पे ड्रॉप हो चुका था। लेकिन मुझे पता नहीं था हर्ट मारने के बाद ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए मैंने अपने आप को ना एक गड्ढे के अंदर इधर पे छुपा दिया और एक रात मैंने ना इसी गड्ढे के अंदर बिता दी। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई मैंने एक स्केलेटन को मार दिया, और उसके बाद सोचा कि मैं थोड़ा बहुत इधर पे वॉल को एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि है ना इधर पे बहुत सारे प्लेयर ने ना अपना बिल करके रखा है, शायद से वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत सामान मिल सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल चुकी है जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा था। यहाँ पे एक डायमंड का शूज भी रखा हुआ था जिसको मैंने पहन लिया, और उसके बाद चेस्ट को तोड़ के मैंने सारा का सारा सामान ले लिया। उसके बाद मैंने अपने स्टोन के टूल्स को बना लिया था। उसके बाद मुझे स्पॉन पे एक प्लेयर मिल जाता है जिसका फुल नेदरराइट का आर्मर था, और साथ ही साथ इसने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया था जिसके पास भी एक नेदरराइट का आर्मर था। तो उसके बाद मैंने इनसे थोड़ी बहुत हेल्प मांगी कि आप मुझे थोड़ा बहुत सामान दे सकते हैं। तो इस ड्रेको वाले प्लेयर ने ना मुझे बहुत सारे डायमंड दे दिए, जिससे मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर एंड डायमंड के टूल्स इजिली बना सकता था। तो उसके बाद मैंने अपने डायमंड के आर्मर एंड डायमंड के टूल्स बना लिए थे। उसके बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ी बहुत एक्सप्लोरिंग के लिए। तो स्पॉन से थोड़ा बहुत दूर आते ही मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है जो कि पूरी की तरह से लूटेड था, और इधर पे दो थोड़े बहुत विलेजर थे जिसको पहले से किसी ने जॉब दे के रखी थी और इससे थोड़े बहुत ट्रेड भी करके रखी थी। यहाँ पे एक फ्लेचर रखा हुआ था, और साथ ही साथ एक और विलेजर था जिसके पास कोई भी जॉब नहीं थी, तो उसे मैं ना फ्लेचर बना के बहुत सारे एमरल्स लेने वाला था। और उसके बाद मैं यहाँ पे सोचा मैं थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करूंगा, तभी उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का विलेजर मिल जाता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक दे रहा था, जो ये मुझे है ना शार्पनेस 4 की बुक दे रहा था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 23 एमरल्स में दे रहा है। मतलब कि है ना मैं 2 शार्पनेस 4 को मिला के है ना शार्पनेस 5 बना सकता, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो चुकी। उसके बाद मैं नेदर में चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं 2 बार मर चार और तभी मेरे 2 हॉट चल जाते हैं, और साथ ही साथ मेरा सारा डायमंड का आर्मर जितना भी मैंने ग्राइंड किया था वो सब चला गया। मतलब कि मैं एकदम 0 पे वापस आ चुका था। लावा पूल के अंदर गिर गया था इसलिए मेरा सारा सामान जल के खत्म हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन जो सेव करके रखा था उससे मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लिया, और अभी मुझे चाहिए था एक डायमंड का आर्मर जो कि मैं अभी माइनिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाने वाला था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ किसी ना किसी एक प्लेयर को ट्रैप में गिरा दूँ, और ट्रैप में गिरा के उससे मार दूँ और उसका आर्मर मैं ले लूँ, जिसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लेयर। तो अभी मैं जल्दी से आपको ट्रैप बना के मिल। तो गाइस मेरे ट्रैप में मुझे धक्का देके इधर पे मार दिया, उसने मुझे 3 बार ऐसे करके मार दिया। तो अभी मैं जल्दी से स्लैश बैक कर देता हूँ और मैं वापस चला जाता हूँ। मुझे बस एक बार इसको गिराना होगा ट्रैप के अंदर, जिससे इसका सारा सामान मेरे पास आ जाए। तो ओके मैं बैक वापस आ चुका हूँ, और इधर पे वो शायद से गलती से यहाँ पे नीचे गिर गया और इसका सारा सामान मुझे मिल चुका है यहाँ पे। तो मैं जल्दी से सब ले लेता हूँ डायमंड की चीज़ें, और डायमंड के आर्मर को मैं जल्दी से यहाँ ले लेता हूँ। और इधर पे 4 हर्ट्स भी रखे हुए हो भाई, जल्दी से मैं इसको भी ले लेता हूँ। और इधर पे मेरा हर्ट्स गिर गया और ये वापस आ चुका है भाई, मेरे पास 4 हर्ट है, जल्दी से इसको मारना पड़ेगा यार। ओके इसको मार दिया, अभी जल्दी से मैं अपने हर्ट्स को ले लेता हूँ। ओके मेरे पास 5 हर्ट्स आ चुके हैं, और अभी मेरे पास टोटल 9 हर्ट्स हो चुके हैं। और मैंने इसका पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर एंड डायमंड के टूल्स भी ले लिए जो कि थोड़े बहुत एंशिएंट है मुझे दिख रहे हैं। तो अभी जल्दी से थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। और इधर पे चैट में क्या लिख रहा है, मुझे अपना सामान दे दे, मुझे क्यों मारा प्रो, तेरा सामान देने के लिए मैंने तुझे ट्रैप में नहीं गिराया। तो गाइस इसी के साथ मैंने इस बंदे को ट्रैप में गिरा कि इसका डायमंड का आर्मर ले लिया जो कि थोड़ा बहुत एंशिएंट था। उसके बाद मैं माइनिंग करने के लिए केव में आ गया, थोड़ी बहुत मुझे रेडस्टोन वगैरह चाहिए था, मतलब पिस्टल वगैरह। तो यहाँ पे मुझे एक एंशिएंट सिटी मिल चुकी है, तो इसके अंदर मैं जल्दी से चला जाता हूँ। और इधर से मैंने की वाटर वगैरह मिल चुकी, और इधर पे मैं आ चुका हूँ, और मुझे यहाँ पे एक एडवेंचर मिल चुकी है। तो अभी हम जल्दी से यहाँ से थोड़ा बहुत लूट करके, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा हाई चांस हो रहे हैं एंशिएंटेड एप्पल मिलने के। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेस्ट को लूटा, और उसके बाद मैं इधर पे जैसे ही घूम रहा था मुझे है ना एक वॉलिन के स्पॉन होने की आवाज़ आ चुकी थी। तो यहाँ से मैं जल्दी से भाग गया, क्योंकि अगर वॉलिन के हाथ ना चल गया तो भाई मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा अच्छा आर्मर नहीं है। फिर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ बहुत ही ज़्यादा दूर ब्लॉक्स लगाते लगाते,
और यहाँ पे मेरे ब्लॉक्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अच्छा है वॉरेन मेरे पीछे अभी तक नहीं आया था। फिर से मैं यहाँ पे एक चेयर लूट रहा था तभी मुझे वॉरेन की आवाज़ आ चुकी है और शायद से इस बार मेरे पीछे है। अभी तो मुझे वो दिख नहीं रहा तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर वॉरेन भाई देख लिया ना तो भी मेरे पीछे आ जाएगा, वो कितनी तेज़ भागता है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चला जाता हूँ और इधर पर वॉरेन आ गया था तो उसके बाद मैं इधर पे ऊपर बिल करना स्टार्ट कर दिया और अभी मुझे लगा मैं बच जाऊँगा, लेकिन इसने स्टोन क्लीन मारी तो मुझे हाफ पर के छोड़ दिया। मैंने पूछे ना फ्री जनरेशन डी पी लिया लेकिन लास्ट में मर गया यहाँ पे। फिर मैंने इधर पे आके स्लैश बैक कर दिया और मेरा सामान मुझे इधर से मिल जाता है वापस। ओके, और इधर पे मेरे दो हॉट इसने ले लिए तो मैंने दो हॉट को वापस इधर पे ले लिया और इधर से मैं माइनिंग करने लगा अंदर की ओर और उसके बाद मैं बच जाता हूँ। लेकिन इधर पे वॉरेन रिस्पॉन्ड नहीं होता इसलिए मैं वापस पीछे की तरफ से एक रास्ता बना के इधर पे वापस आ जाता हूँ और मुझे अपना थोड़ा बहुत सामान मिल गया। बाकी सामान मेरा शायद से चला गया और मैं वॉरेन के पास लेने वापस नहीं जाने वाला था। उसके बाद मैंने इधर एक और चेस्ट स्टोरी जहाँ पे ना वॉरेन स्पॉन हो चुका था तो उसमें जल्दी से ब्लॉक लगा के यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके, इधर पे वाटर में फंसना नहीं है मुझे। और ऐसा करते हुए ना मैं बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका था वॉरेन से, बहुत दूर। और उसके बाद इधर पे एक और बार वॉरेन स्पॉन हो गया। मुझे पता नहीं मैंने कितने ज़्यादा वॉरेन को स्पॉन करवा दिया यहाँ पे, मतलब कि 10-15 तो करवा दिए होंगे। मैंने सारे सारे वीडियो में नहीं दिखाए लेकिन बहुत सारे स्पॉन करवाए मैंने। ओके, अभी यहाँ पे कोई भी है नहीं और साथ ही साथ मुझे थोड़ा बहुत सामान मिला है। उसके बाद मैंने कुछ और चेस्ट लूटी और इस वाली चेस्ट में मुझे मिल जाता है अपना फर्स्ट एंचेंटेड एप्पल। तो जैसे ही मुझे एंचेंटेड एप्पल मिला मैं यहाँ से भागने लगा क्योंकि वॉरेन पीछे स्पॉन हो चुका था और इधर भी मेरे पास ब्लॉक्स भी नहीं थे तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ से भाग जाता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े डायमंड मिल जाते हैं। थोड़े और यहाँ से डायमंड मिल चुके हैं और फाइनल एंचेंटेड एप्पल मिल चुके हैं पूरे के पूरे दो। और अभी मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था लेकिन मुझे थोड़ा बहुत लालच आ जाता है इसलिए, और फिर मैं वापस यहाँ पे लूट करने के लिए आ जाता हूँ तभी मेरे पीछे एक वॉर्डन आ जाता है जिसको देख के मैं तुरंत भाग जाता था क्योंकि मेरे पास अभी एक भी ब्लॉक नहीं है तो मैं ब्लॉक लगा के भाग नहीं सकता था। इसलिए मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ से भाग रहा था और वॉर्डन मेरे पीछे ही था लेकिन मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। बस मैं कुछ भी देखे नहीं यहाँ पर जस्ट भाग रहा था और किसी ने मुझे टीवी रिक्वेस्ट भेज दी थी मुझे जस्ट एक्सेप्ट करनी है लेकिन वॉरेन मेरे पीछे था इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। और इधर पे मैंने जैसे ही एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट ही नहीं हुई, मुझे पता नहीं मैंने क्राउज करके रखा था इसलिए नहीं हुई। तो फिर मैं अब खड़ा हो गया और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट की तो एक्सेप्ट हो गई लेकिन वहाँ पर जाने में 5 सेकेंड का टाइम लगता था और मैं मर गया यहाँ पर। वॉरेन ने मुझे मार दिया और अभी मैं स्लैश बैक भी नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ से है ना मैं सीधा अपने रिस्पॉन पॉइंट पे आ जा रहा था तो वो भी मेरा सारा का सारा सामान चला गया यहाँ पे। प्रो मैंने जितना भी अब तक ग्राइंड किया मेरे दो एंचेंटेड एप्पल सब चले गए थे। उसके बाद मैंने है ना ये टीडीटी वाला जो प्लेयर अभी मुझे टीवी किया वो उसने बोला कि मैं आपको अपने बेस में ले जाता हूँ जब वो मुझे थोड़ा बहुत सामान देगा। और मेरे एंड चेस्ट में मैंने बहुत सारे डायमंड रखे हुए थे जिससे मैंने अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना लिया। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं इसके बेस में और इस ज़ॉम्बी को मैं मार देता हूँ और अभी ये अपने बेस में मुझे ले जाने वाला है तो जल्दी से चलते हैं। तो गैस काफ़ी ज़्यादा दूर जाने के बाद इसने मुझे एक फॉरेस्ट में ले गया और वहाँ पे जाके मुझे मार दिया यार। मेरे पास हॉर्ट ज़्यादा नहीं थे और इसने मुझे मार दिया तो मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ। और ये नहीं यार दूसरी बार भी इसने मुझे मार दिया है यार, बेतरे कर दिया। एक और बार मैं जाके देख लाऊ शायद से सामान दे दे, लेकिन फिर भी मैं वापस यहाँ पे थोड़ी देर बाद आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरा सामान ओके मेरा सामान इधर पे दिख रहा है थोड़ा बहुत और ये वापस आ चुका है। इसने मुझे एक और बार मार दिया यार। यार अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 हर्ट बजे थे और इस तरीके से मैं बन चुका हूँ SMB का वीकेस्ट प्लेयर। तो गाइस हो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बनने वाला हूँ मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट डेडलीस्ट प्लेयर इन दिस SMB क्योंकि मैं है ना नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्लेयर को मारने वाला हूँ।